अभी आप जैसे कह रहे हैं कि ये आपका जो मशीन है ये हिल रहा है, आप बताइए क्या हिल रहा है इसका? ये हिल रहा है, ठीक है ना। अब ये हिल रहा है तो इसको हम करेंगे पॉलीफिक्स से, तो इससे हम पॉलीफिक्स के दो बूंद डाल देंगे। और ये पॉलीफिक्स को जाम कर देगा, इसको हिलने नहीं देगा, जैसे हिल रहा था ना पहले ये। और ये करने के बाद अभी नहीं, और ये इसमें हम स्प्रे का यूज़ कर देंगे, पॉलीफिक्स का स्प्रे एक्टिवेटर है, ये इसको ग्लू को जल्दी सुखा देगा। ये चमन भाई की मशीन हो गई जाम। अभी हम चेक करेंगे इसको एक मिनट के बाद। हाँ, ये इसका रिपीट लूज है, रिपीट लूज है ना ये, तो इसके रिपीट को ये टाइट कर देगा पॉलीफिक्स का ग्लू और पॉलीफिक्स का स्प्रे एक्टिवेटर। और अगर इसको ठोकते हैं जाम नहीं होता, इस पर वेल्डिंग करानी पड़ती है। अच्छा, अभी देखिए वेल्डिंग ये काम, हाँ ये ग्लू लगा दिया और वेल्डिंग की जरूरत नहीं पड़ी हमें, और ये हमने इस पर स्प्रे कर दिया। और हल्की चादर होती है वेल्डिंग से, ये कट भी जाता है, गल जाएगा। अब ये नुकसान भी नहीं होगा चमन भाई, ये गलेगा भी नहीं, ठीक है, ये तो बढ़िया चीज़ है यार। भाई तुम्हारा वेल्डिंग का काम इससे हो गया, ये तो बढ़िया चीज़ है यार। देख रहे चमन भाई अभी हिल रहा है प्लेट, पक्का का हो गया है, नेल रहा है, सही है ना, ये तो कामयाब चीज है, काम हो गया तुम्हारा यार। और लगाना कहीं पे, कहीं लगाना है अभी, और कोई पे जाना है तो आपको भी जान कर देगी यार। हैं, हो गया तुम भाई, जाम हो गई अपने, हिल रही, देखो क्या करो, दोबारा क्या करो। चलो थैंक यू सर, आपको पॉलीफिक्स पसंद आया हमारा।